आजमगढ़ में आज पीएम और सीएम सहित तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी से पहले मंच संभालते हुए मायावती और अखिलेश पर खूब हमला किया। योगी ने कहा, बबुआ को गुंडे बदमाश का भागना बुरा लग रहा है और 23 मई के बाद ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे। आजमगढ़ में मुकाबला निरहुआ और अखिलेश के बीच है। योगी से लेकर मोदी तक सबने मंच से दिनेश लाल यादव उस निरहुआ के लिए वोट मांगे। इस दौरान निरहुआ ने मंच से पीएम के सम्मान में गाना गाया और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। योगी के बाद आजमगढ़ में पीएम मोदी ने मंच संभाला तो गठबंधन पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने एक बार फिर गठबंधन को महामिलावट बताया। मोदी ने कहा, विपक्ष देश को कमजोर करने के लिए मिलावट वाली सरकार चाहता है। मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग आजमगढ़ में आतंकी कनेक्शन के अलावा कुछ नहीं दिखता। आजमगढ़ में पीएम मोदी ने एक तरफ जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो वहीं देश को ही राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी सरकार के दौरान आतंकियों को घर में घुसकर मारा गया तो वहीं मसूद अजहर जैसे आतंकियों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाने का काम किया है। इससे पहले पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ममता ने पहले बंगाल को अपनी सत्ता के नशे में बर्बाद किया, अब तबाह करने पर तुली है। पीएम मोदी ने बंगाल में कहा, हमारी रैली को रोकने के लिए टीएमसी ने पूरी ताकत लगाई। ममता बौखलाहट में संविधान का अपमान कर रही है। साथ ही कहा, ममता मेरे लिए पत्थर और थप्पड़ की बात करती है। गाजीपुर में सैदपुर के टाउन नेशनल इंटर कॉलेज में बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिन्हा के पक्ष में राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। उधर बलरामपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने कहा, अब गुंडे पुलिस वालों से डरते हैं, एनकाउंटर के डर से गुंडे सरेंडर हो रहे हैं। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस सरकार ने यूपी को कम बजट दिया। बलरामपुर में अमित शाह ने राहुल पर हमला करते हुए कहा, राहुल आतंकवादियों से इलू इलू करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, युवाओं को रोजगार देंगे, हम मिलकर काम करना चाहते हैं, किसान छोटा दुकानदार की मदद करेंगे। प्रतापगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमारी रत्ना सिंह के समर्थन में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, इनसे बड़ा कायर, इनसे कमजोर प्रधानमंत्री मैंने जिंदगी में नहीं देखा। प्रियंका गांधी ने कहा, राजनीतिक शक्ति बड़े बड़े प्रचार से नहीं आती है, टीवी पर दिखने से नहीं आती। राजनीतिक शक्ति वो होती है जो माने कि जनता सबसे बड़ी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कुरुक्षेत्र में रैली की। मायावती ने रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्ना सेठों की चौकीदारी कर रहे हैं। मायावती ने कहा, भीड़ देखकर लगता है लोग दिल्ली जाने को उत्सुक हैं, लोग नमो वालों को भगाकर जय भीम वालों को सत्ता में लाना चाहते हैं। मायावती ने कहा, चौकीदार की नाटकबाजी भी काम नहीं आएगी। नरेंद्र मोदी ने 2014 में गरीबों को अच्छे दिन दिखाने का वादा किया लेकिन हुआ उल्टा। राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका में कहा गया था, राहुल को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया जाए। राहुल का नाम मतदाता सूची से हटाने की मांग भी की गई थी। तेज बहादुर यादव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन रद्द करने के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए कहा, उनकी याचिका में कोई मेरिट नहीं है। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा, काशी में हर हर महादेव सुनकर अच्छा लगता है, फिर एक बार मोदी सरकार का नारा लग रहा है। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा, अब नई नई रिश्तेदारी निकल रही है। शिवपाल सबसे ज्यादा परेशान है कि उनकी कोई बहन ही नहीं थी, फिर ये बुआ कहां से आ गई। सीएम योगी ने कहा, ये रिश्तेदारी भ्रष्टाचार और अपराध की है। अखिलेश के राज में टेंडर के नाम पर लूट मची थी। बसपा और सपा में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ बौखला अंतर है। सिद्धार्थनगर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, भीषण गर्मी का उत्साह दिख रहा है। ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है, ये चुनाव गठबंधन जीतने जा रहा है। कमल के फूल के सामने बटन दबाओगे तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में आएगा। उससे भारत मजबूत होगा, आप सब मजबूत होंगे। दिलीप कुमार, मोदी सरकार।
फिर एक बार मोदी सरकार। सरकार वो चुने जो देश को रखे पूर्ण सुरक्षित। टूथपेस्ट भी वही चुने जो दांतों और मसोढ़ों को रखे पूर्ण सुरक्षित। पतंजलि दंतकान दांतों को दे पूर्ण सुरक्षा और लंबी उम्र का वरदान। हम किसानों की आवाज को दबाने वालों कुछ तो शर्म करो। जीएसटी नोटबंदी से मेरा व्यापार तबाह करने वालों कुछ तो शर्म करो। हमारे ही टैक्स का पैसा विज्ञापनों पे लगाने वालों कुछ तो शर्म करो। देशभक्ति के नाम पर देश बेचने वालों कुछ तो शर्म करो। कुछ तो शर्म करो। अब होगा न्याय। उत्तर प्रदेश कांग्रेस। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल घुटना कंधा या कमर चाहे जैसा दर्द हो ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी एक भरपूर जिंदगी। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले हम चाहते हैं मान बढ़े दुनिया में देश का नाम बढ़े। गरीब मजदूर किसान बढ़े नारी का सम्मान बढ़े। हम मोदी जी को चुन रहे हैं चुन रहे हैं चुन रहे हैं। कमल का बटन दबाएं भाजपा को जिताएं फिर एक बार मोदी सरकार। महाशय धर्मपाल गुलाटी शुद्धता गुणवत्ता के पारखी। अजी क्या बात है। 84 वर्षों का तजुर्बा रखते हैं। जब आप MDH की कसूरी मेथी इस्तेमाल में लाएं आपके पकवानों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाएं। खुशबू MDH की कसूरी मेथी। आतंकवाद को घर में घुसकर किसने मारा? आपके एक वोट ने मारा है। आपके वोट ने। ये आपके वोट की ताकत है जो आतंकवाद को घर में घुस करके मारता है। फिर एक बार मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं भाजपा को जिताएं। अमेठी के फुरसतगंज थाना क्षेत्र के सरवन गांव के पास रेलवे ट्रैक पर अधेड़ की ट्रेन से कटी लाश मिली। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ललितपुर पुलिस ने आज ऐसे हाईटेक टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया है जो पूरे देश में घूम घूम कर टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने गिरफ्तार टप्पेबाजों से 415 ग्राम सोने के आभूषण 10 किलो गांजा और एक इको कार बरामद की है। चित्रकूट में अवैध संबंधों की वजह से मौसा ने भतीजी को गोली मारकर हत्या करने के बाद खुद भी गोली मारकर हत्या कर ली। घटना भरतपुर थाना क्षेत्र की है। हजरतगंज के बालू अड्डे के पास गोमती नदी में उतरता मिला युवक का शव। लोगों ने जताई हत्या के बाद लाश नदी में फेंके जाने की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोरखपुर में तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को गोली टक्कर मारी। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने डंपर को किया आग के हवाले। चिलुआताल क्षेत्र के टिगरिया गांव का मामला। हाथरस में स्कूल में बाबू की कुर्सी हासिल करने के लिए दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या की घटना का भंडाफोड़ करते हुए बड़े बाबू की हत्या में शामिल हत्यारे में से 3 हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बलिया में सिलेंडर में लगी आग से विस्फोट से 2 बच्चों की मौत। आग से दर्जन भर पालतू जानवरों के साथ 300 झोपड़ियां और उसमें रखा गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक। अमरोहा की औद्योगिक नगरी गजरौला स्थित जुबिलेंट में गैस लीकेज से हड़कंप मचा हुआ है। संबल में पुलिस ने 10,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त पॉक्सो एक्ट में चल रहा था फरार। थाना बनियाठेर क्षेत्र का मामला। लखीमपुर खीरी में मोबाइल बैटरी फटने से अचानक गांव में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से 40 घर जले। नीम गांव थाना क्षेत्र के मुड़ा बुजुर्ग की घटना। कानपुर में हत्या की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला नौबस्ता थाना क्षेत्र के रमन विहार इलाके का है जहां प्रॉपर्टी डीलर की उसी के घर के भीतर सिर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना मिलते पूरे इलाके में हड़कंप मचा। बरेली में पोलियो का एक संदिग्ध मरीज मिला है। संदिग्ध मामला मीरगंज तहसील क्षेत्र के मंडनपुर गाँव के एक बच्चे का है। कमल के फूल के सामने बटन दबाओगे तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में आएगा।
उससे भारत मजबूत होगा, आप सब मजबूत होंगे। फिर एक बार मोदी सरकार। खुदी को आजमाया तो ये अंदाज आया। ये भाजपा वाले आपको गुमराह जरूर करेंगे, ये इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करेंगे। आप इनसे इनके पिछले 5 सालों के हिसाब जरूर मांगना। आप इनसे आसमान छूती महंगाई, GST और नोटबंदी पर सवाल जरूर करना। भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इन्हें करारा जवाब जरूर देंगे। अब होगा न्याय, उत्तर प्रदेश कांग्रेस। बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले चने भंगड़ा ता सजदा जद नचदे सारे जने। चने का असली स्वाद MDH चना मसाला, असली मसाले सच सच MDH। हम चाहे देश पे आंच ना आए, फिर दुश्मन कभी ना उठाए। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। हम मोदी जी को चुन रहे हैं।